Few minutes later. गाड़ी बच चुकी है, देखते हैं कहां बची है। The Good Morning Show, Episode 03, Travel with Style. Travel भी, style भी। Hello, good morning everyone, and क्या? And मैं हूँ सौरभ और मैं हूँ दीपिका। Yes, good morning everyone, मैं हूँ सौरभ और ये है दीपिका और welcome to another episode of the Good Morning Show with Radio Hills. And आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सही जगह और इस एपिसोड का नाम है Traveling with Style because as you can see कि सुबह 4 बजे उठ के हम लोग ऐसे ही तैयार हो गए हैं और हमारे घर वाले सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ही इतना बड़ा फंक्शन है जिसमें इतनी जल्दी उठ के तैयार होके जा रहे हैं। मेरे पापा बोल रहे थे सच्ची सच्ची बता तो भाग की शादी तो नहीं कर रहा। एंड आज हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे हाउ टू ट्रैवल विद स्टाइल। इवन दो अभी 6:30 बजे स्टिल हम लोग कोट पैंट पहन के आए बिकॉज दैट्स हाउ यू ट्रैवल विद स्टाइल। कोई फंक्शन होगा तो हम लोग वो अटेंड करते हुए आएंगे। यस और भाई साहब सुबह सुबह तो अलग ही गुफ्तगू हो गई सूरज देवता के साथ। आमा मेरा तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चले हो, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे सूरज देवता ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आमा मेरा देखते जाओ, अगर कुछ गलत ना हुआ तो हमारा नाम भी सूरज नहीं, लिख के ले लीजिएगा। आज कुछ नहीं हो सकता, आज हम स्टाइल में हैं। वो तो थैंक यू हो मैथिली सैलों का जिन्होंने इतना काम किया है दीपिका के ऊपर तब जाके वो वीडियो लाइक बने हैं, वरना तो भाई साहब आपको भी पता ही है सुबह सुबह अंकलों से कम नहीं लगते हैं वो। और आज तो भाई साहब जो मैथिली सैलों ने उनके ऊपर जादू किया है ना, जो मेकअप शेकअप किया हुआ है उसकी वजह से तो लड़की के तो पाँव ही नहीं लग रहे जमीन पे, अलग ही पहुंची है अलग ही दुनिया में। सो थैंक यू मैथिली सैलों। When you travel with style, आपका ना एटीट्यूड भी चेंज होता है, you feel like काफी happy. मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे अच्छी कोई गाड़ी नहीं चलाता है। कौन है बे? जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा। हर एक वो आदमी जो चला हुआ है दुनिया में। वैसे यार सच अगर हम बोले ना तो हम चाहे जितना मर्जी तैयार हो ले सुबह लेकिन आंखें तो ना फिर भी सूज जाती है। आंखें दिखाओ अपनी। ब्यूटीफुल तो अपनी धन्नो भी लग रही है पर मुझे पता है ज्यादा देर के लिए नहीं। आज के सफरनामे में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्टाइल के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। टिप 1, स्टाइल इज इक्वल टू फ्री थिंग। यार लड़कियों का सही है, मतलब हंस 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 के ना कोई भी काम करवा सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक भैया से पूरी गाड़ी साफ करवा ली फ्री में। अगर मैं अकेला होता ना तो भाई साहब उन्होंने देखना भी था मेरी साइड और यहाँ पे थे हाँ 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 कहाँ कहाँ पानी मारना है। अगर थोड़ा सा और ही हाँस देते ना वो घर चल के काम भी कर देते हमारा। फायदा, ये फायदा होता है टू ट्रैवल विद स्टाइल, फर्स्ट फायदा। एग्री? और उसके बाद हम अपने सफ़र का मज़ा लेने लग गए और सूरज भैया भी अपने साथ थे। वैसे सुबह जल्दी उठ के ये फ़ायदा तो होता है, आपकी एनर्जी अलग लेवल पे पहुंच जाती है। कुछ बोल रहे थे आप? कि आज हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। आपका पता नहीं मैं लग रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ सौरभ, कि दीपिका कैसे लग रहे हैं। और सच्ची बताना मम्मी कसम चढ़ी आप सभी को। भाई साहब क्या रोड है यार। तो अभी हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है हमारी सेकंड टिप का। टिप नंबर 2, ऑलवेज कैरी अ कॉम विद यू। एंड ओवर टू नेक्स्ट टिप व्हिच इज, आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके जो बाल खराब होते हैं इसलिए ट्रैवल विद अ कॉम, ताकि कहीं पे भी मुश्किल आए तो कंघी आपके बाल इतनी लंबी है। कंघी सारा। अरे इतनी भी लंबी है देखो। हां फिर भी रखी गा हुई थी तुमने इतनी छुपा के। ये मैंने जेब में डाली थी। देखो आप जब ये बोल सुन रहे होगे ना ये वाला डायलॉग कि ये नहीं डालेगा तो उससे पहले का जो डायलॉग है वो गायब हो चुका होगा और आपको सिर्फ यही सुनने को मिलेगा।
सुबह के सफर ना हमेशा यादगार होते हैं, स्पेशली जब आप इतने ब्यूटीफुल रोड से गुजर रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी गलत हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, मजाक। टिप नंबर 3, डोंट बी ओवर स्मार्ट। सो अब है वक्त थर्ड टिप का। थर्ड टिप ये है कि कभी भी गाड़ी से बाहर मत निकलो शॉट बनाने के लिए, क्योंकि फिर गाड़ी लेकर लोग निकल जाते हैं और आप अकेले पैदल चले होते हो। पर मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, वो कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं होने देगा। सबको अपने कर्मा का फल मिलता है। मेरे को दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। गाड़ी बच चुकी है, देखते हैं कहाँ बची है। मारो डीग्रो। बिकॉज हमारा अभी गाड़ी चिपका दी है मैडम ने, ड्राइवर साहब ने, इसलिए अब हम मंदिर जा रहे हैं ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। मतलब मंदिर बंद है आजकल, बाहर से ही हम ऐसा नमस्ते कर रहे हैं। बताओ मैं बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे एक मंदिर था, सौरभ ने बोला कि रुकना है, मैंने बोला चल रुक लेते। सौरभ मुझे कहता कि नहीं रुकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी गाड़ी बंद होगी। फिर मैंने गाड़ी बैक करने की कोशिश करी तो बैक करते करते गाड़ी, हाँ तो इन्होंने बजाई। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बजाई। मुझे क्यों लग रहा है जो इन्होंने मुझे छोड़ा था उसका कर्मा मिला इनको। टिप 4, कर्मा। मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि गाड़ी पे कभी भी भरोसा मत करें, और खासकर बैक कैमरा पे तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपके साथ ऐसा हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ है। एक तो वैसे ही बैक करनी नहीं आती, सीधी सीधी तो जहाँ मर्जी चला लो, और बैक करने में हमेशा दिक्कत रहती है। तो खुद ही देख लिया गाड़ी ने, वो तो तुमने नहीं जाना तो मैं जाती है। टिप 5, डोंट ओवरडू योर स्टाइल। तो गाइस अब वक्त आ गया हमारी नेक्स्ट टिप का, और नेक्स्ट टिप ये है कभी भी गाड़ी चलाते हुए स्टाइल ना मारिए, जैसा कि इन्होंने किया और अब गाड़ी का स्टाइल थोड़ा सा बिगड़ चुका है। इतना okay. भी नहीं बिगड़ा, कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इसको ठीक ही करूंगी। बट इस टिप को याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके, बहुत। सो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, एंड नाउ अब आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, यानी कि साधुपुल, और एकदम स्टाइल में पहुंचे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, और अगर आप बात करें यहाँ के डिस्टेंस की तो अराउंड 45 to 55 मिनट्स लगेंगे आपके ड्राइव में, और आप यहाँ बस से, गाड़ी से और अपनी पर्सनल व्हीकल से भी पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये ब्यूटीफुल नदी और ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी, और आपका भव्य स्वागत होगा जैसा कि हमारा हुआ। खैर क्या कर सकते हैं, अपना अपना स्टाइल है, क्यों भाई साहब। तो हम कहाँ आए? साधुपुल। तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ आप। यहाँ साधु रहते थे, और उन साधुओं की वजह से यहाँ का नाम पुल बन गया। नहीं ये नहीं है। ये साधु पुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी साधु आता था तो लोग उनके साथ खींचातानी करते थे, दे यूज टू पुल देम, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा साधु पुल। हाला yes. तो गाइज अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी है। अगर आप हमारे पीछे देख सकते हो तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, टेंट हाउसेज हैं, कॉटेजेस हैं। चलो अब नदिया किनारे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें। कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पे तो सबसे बेस्ट टाइम यहाँ का है सुबह मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर इवनिंग में भी आप लोग आ सकते हैं। दिन के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा धूप होती है क्योंकि पानी के पास, और वैसे भी ज़्यादा धूप होती है तो गर्मी लगेगी आप लोगों को, तो इवनिंग के टाइम बेस्ट टाइम है। और सुबह फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं इस टाइम पे, और आपको भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि जिस हिसाब से ये प्लेस है और यहाँ पे जो जो चीज़ें अवेलेबल है तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे कॉटेजेस हैं, तो यहाँ पे हमेशा जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे थोड़ी कम गंदगी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ हम अभी तक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो सफाई करते रहें हर जगह। यहाँ पे डस्टबिन भी है, तो ये एक काफ़ी अच्छा ट्रिप रहेगा अगर आप मॉर्निंग में कहीं आना चाहते हैं, है ना। फिर वही अपना वाला बस फोटोज खींची और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी और अपनी गुड मॉर्निंग को सेलिब्रेट किया। सुबह सुबह ट्रैवल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप ना अपने दिन को बढ़ा लेते हो,
इट्स लाइक कि आपका दिन ऑटोमेटिकली 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है. तो लाइक आपको मॉर्निंग में ट्रैवल करना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम है, ट्रैफिक भी नहीं होता और मज़ा भी आता है. क्यों भाई साहब? अगर आपको अच्छा ये तो मेम साहब निकले. मेरा मन नहीं है, पता है यहाँ पे इतने सारे लोग हमारे को देख रहे हैं. अरे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पागल हैं. मतलब लोगों ने अभी तक अपने हाथ मुंह बंद किए और हम लोग ऐसे चमक के चले हुए हैं. यार हम एक स्टेप आगे हैं. किसी पार्टी में गए थे, रात से लेकर कपड़े नहीं खोले. हाँ और हम हरकतें भी ऐसी करते हैं ना. तो क्या बोले, इफ यू वांट के चश्मे ये तो उतारने पे ही नहीं आ रहे. मैंने एक बार भी नहीं उतारे. और लेकिन हम ये कपड़े नहीं पहन के आएंगे अगली बार. सर्व अगली बार तो ये ना बोले कि साड़ी पहन के आ जाओ आप. नो, सो अब हमारा वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का. जगह बहुत ब्यूटीफुल है और सुबह ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है कि कोई आपको परेशान करने के लिए भी नहीं होता. नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा. वो एक्चुअली गिरे हुए सिक्के उठा रहे हैं. क्या बोलूँ यार, ऐसे लोगों के साथ कहाँ ट्रैवल किया जाता है. गाड़ियाँ ले लेनी फिर भी मतलब सिक्कों के पीछे दौड़े हैं. क्या बोल रहा है ये? मैं बोल रहा कि अच्छे लग रहे हो आज आप सुबह सुबह. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो और कमेंट में भी गालियाँ डाल दो हमारे. बस यही बोल रहा था. सौरभ के लिए तो बहुत सारी गालियाँ डालना. और मुझे क्यों लगता है कि कमेंट में जितनी भी गालियां मुझे आएगी एक ही अकाउंट से आएगी. मान लीजिए नीचे लिखा हो कमेंटेड बाय दीपिका शर्मा. नहीं फेक अकाउंट बनाओगे दीपक शर्मा? इतना टाइम नहीं मेरे पास फेक अकाउंट बनाने का. अच्छा झूठ ना बोल लो ना. झूठा. ओके गाइस बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. एंड कमेंट करके प्लीज लेट अस नो कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए जाने के लिए हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता. हम बहुत बेले हैं, हमारा कुछ काम ही नहीं है. यस और पेट्रोल भी फ्री का है मेरे लिए. द गुड मॉर्निंग शो होस्टेड बाय दीपिका एंड सौरभ. डाउनलोड रेडियो हिल्स ऐप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बच्चे दो ही अच्छे, खुद का एक भी नहीं.